अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीजू क्या हुआ गया? आपने मुझे फोन करके बुलाया हॉलो के? एक जरूरी बात करनी है। साधु को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया है। शहर छोड़कर भागने की कोशिश की उसने, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाखों के पीछे है वो। साधु पकड़ा गया। शुक्र है मां भगवती का। आर्या, जीएम ने चौंका देने वाला बयान दिया है। क्या? उसने कहा है कि उसने ये सब कुछ रैना दी के कहने पर किया है। What? Good day. क्या ब्लडी बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ऑफ कोर्स वो ब्लडी साधु झूठ बोल रहा है। इसका फैसला पुलिस करेगी रैना। मेरा उस साधु की हरकतों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप में पुलिस को तुम्हारा और जानवी का दोनों का स्टेटमेंट चाहिए। वो ये फैसला लेना चाहती है कि इसमें किसी और का हाथ है या नहीं। क्या? होल्ड ऑन जीजू। जीजू मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सब हादसे में रैना दी का कोई हाथ नहीं है। वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तुझे तो मारा मारूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। रैना मैम की ऑर्डर है। जब साधु ने मुझ पर हमला किया था, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था झटका, मैंने खुद उसे कहते हुए सुना है कि मुझे मार के सारा का सारा इल्जाम रैना दी पर डालना चाहता था। वो अब नहीं बचेगा तू, और तेरी मौत का इल्जाम लगाऊंगा रैना बुद्देला पे। बिलीव मी, वो झूठ बोल रहा है। वो ये सब उसका झूठ है, उसका प्लान है जीजू। वो हम फैमिली मेंबर्स में फूट डाल के हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वो पुलिस सुन, मैंने अभी जो कहा है जाकर पुलिस को यही स्टेटमेंट दे, और अगर रिटन स्टेटमेंट चाहिए तो कॉल मी। चल जा। जा यार, जा भी कभी जा यार। इसकी ये हिम्मत कैसे हुई साधु की रैना दी पे इल्जाम लगाने की? शांत हो जा। क्या हो गया तुझे? अभी अभी बिस्तर से उठा है, कहां चला गया था तू? वो डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने के लिए, जस्ट अ फॉलो अप। उन्होंने कहा कि मेडिसिन्स को कंटिन्यू करने और रेस्ट को भी। अरे प्लीज आराम कर, जाओ। जी रैना, जिस भाई को तुम गैर जिम्मेदार और नालायक समझती थी, तुम पर लगाए गए इल्जाम को मिनटों में मिटा दिया उसने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।